ये जो फूले फूले गोलगप्पे आप देख रहे हैं, आप चाहे तो इसको फुचका भी बोल सकते हैं, बिहार में इसको फुचका भी बोला जाता है। इसको हमने घर में बनाया और इसका पानी भी पूरी तरीके से बनाना बताएंगे और इसका जो हमने मसाला तैयार किया है वो भी आपको बनाना बताएंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही आसान रेसिपी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो ढेर सारे गोलगप्पे आप देख रहे हैं इसको हमने घर में बनाया है। आप देख सकते हैं कितने फूले फूले बन के तैयार हुए हैं। बस मतलब 100 हम गोलगप्पे बनाते हैं तो उसमें से 10 ही हमारा ख़राब होता है, 90 एकदम सही तरीके से फूल जाता है। इसकी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है, मेरे चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ऐसे थोड़ा सा इसको फ्राई करने का तरीका, जो तलते हैं हम गोलगप्पा उसका तरीका आपको दिखा देते हैं। गोलगप्पे सारे हमने फ्राई कर लिए थे, लास्ट में छोटा सा हमने वीडियो शूट किया है। बस इसी तरीके से डालेंगे और डालने के बाद इसको लगातार चलाते रहेंगे, ऊपर से तेल डालते रहेंगे और सारे गोलगप्पे अपने आप फूलते जाएंगे। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसी तरीके से हमने सारे गोलगप्पे फ्राई किए हैं। आटा लगाने से लेकर फ्राई करने तक का सारा प्रोसेस आपको उस वीडियो में दिखाया गया है, मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब पानी कैसे बनाते हैं उसका उसकी तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे ढेर सारा धनिया का पत्ता ले लिया है, इसको धो के अच्छे से साफ कर लिया है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो दुकान से भी बेहतर टेस्ट आता है इस पानी का, यकीन मानिए एक बार आप जरूर ट्राई करें। यहाँ पे हमने लहसुन ले लिया है, अदरक और हरी मिर्च है, इसको हमने उबाल लिया है। आप देख सकते हैं इसको उबाल लेंगे तो इसमें कच्चापन का टेस्ट नहीं आएगा। और सब कुछ डाल देंगे, अदरक लहसुन हरी मिर्च और जो पानी हमने उबालने के टाइम इसमें डाला हुआ था उसमें से बचा है इसको डाल के, और इसका एक हम पेस्ट तैयार करेंगे। उबला हुआ आलू ले लिया, उसमें जीरे का पाउडर डाल देते हैं। मसाला तैयार कर लेते हैं हम आलू का, बस नॉर्मल मसाला है, हम मटर का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। थोड़ा सा काला नमक डाल देते हैं और इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा सादा नमक भी डाल देंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। हमने मटर उबाल के तैयार नहीं किया हुआ है, ये जल्दी मसाला बन के तैयार हो जाता है बस आलू के उबाल लेने से ही। थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर हम जो इमली का पानी यहाँ पे रखे हैं इसमें भी डाल देते हैं, और प्याज काट के डालेंगे इसमें आलू में, इस वजह से थोड़ा सा क्रंच आ जाएगा क्योंकि हमने मटर का तो इस्तेमाल किया नहीं है। तो बारीक बारीक काट के इसमें 2 बड़े साइज का प्याज हमने इसमें डाल दिया है। अब जो हमने वो चटनी तैयार किया है धनिया के पत्ता अदरक लहसुन जो उबाल के डाल के, उस सबको इसमें मिला लेंगे। ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये ज़्यादा तीखा हो जाएगा, बस 2 चम्मच इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जो इमली वाला पानी है उसमें भी इस चटनी को डालेंगे, इसमें भी तीखा है, थोड़ा सा धनिया का पत्ता अदरक लहसुन है तो लहसुन की वजह से टेस्ट भी इसका अच्छा आता है। पानी हम जब भी तैयार करते हैं तो लहसुन को उबाल के तैयार करते हैं, इससे लहसुन का कच्चापन नहीं आता और टेस्ट बहुत बढ़िया आता है पानी का। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, सादा नमक, और काला नमक भी डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। जो भुना हुआ जीरा हमारे पास है उसका पाउडर हमने तैयार किया हुआ है, इसको डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें पानी मिलाएंगे। पानी मिलाने के बाद इसको एक बार टेस्ट करेंगे, अगर खट्टापन ज़्यादा है तो थोड़ा सा पानी और मिला लेंगे। खट्टा आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कर सकते हैं, अगर खट्टा कम चाहिए तो पानी आप इसमें ज़्यादा मिला सकते हैं। बस ये हमारा टेस्टी सा पानी बन के तैयार हो गया है। इसमें हमने लाल मिर्च का पाउडर भी डाला है और पीस के भी हरी मिर्च डाला हुआ है, धनिया भी है, अदरक भी है, लहसुन भी है, काला नमक भी है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। पानी हमारा तैयार हो गया है, आलू में थोड़ा सा टमाटर भी काट के डाल देते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप टमाटर को स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा टमाटर डाल देंगे, कटा हुआ धनिया का पत्ता डाल देंगे, थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ देते हैं खटास के लिए, और जो पानी हमने ये इमली का पानी वाला तैयार किया है उस पानी में से भी थोड़ा सा इसमें मिलाएंगे तो इसमें अच्छा खटास आ जाता है। पानी में तो इमली हमने इस्तेमाल किया है लेकिन थोड़ा सा नींबू का रस इसमें भी निचोड़ देते हैं। नींबू का खट्टापन अलग होता है और इमली का खट्टापन अलग होता है। बस हमारा पानी भी रेडी हो गया है, आलू भी रेडी हो गया है। थोड़ा सा पानी में से आलू में मिला लेते हैं कि इमली का खटास भी इसमें आ जाए, और इसको सर्व करते हैं। हमारा टेस्टी सा पानी पूरी, फुचका, गोलगप्पा, जो भी आप बोले, ये रेडी हो गया है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।